देखो आज से शुरू हो चुका है दिल्ली में ऑटो एक्सपो, जहां पर बहुत सारी कार कंपनियां अपनी अपकमिंग कारों को शोकेस करेगी। कुछ कार कंपनियों ने तो कारों को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। आज मारुति सुजुकी ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार ईवीएक्स इस एसयूवी कार को रिवील कर दिया है ऑफिशियली, और ये मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार इंडिया के लिए होने वाली है। इस कार के अंदर 60 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का यूज किया जाएगा, जिसके तहत आपको लगभग 500 किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है। इसके अलावा इस कार के अंदर एक दूसरी बैटरी बैकअप का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जो कि रहेगी 48 किलोवाट आवर की, और यहाँ पर आपको लगभग 400 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। और मारुति सुजुकी इस कार को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर उतारने वाली है, जहाँ पर ये कार कम्पीट करेगी क्रेटा के ईवी मॉडल के साथ, सेल्टोस के ईवी मॉडल के साथ। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि क्रेटा का ईवी मॉडल इसके अलावा सेल्टोस का ईवी मॉडल फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो डेफिनेटली इस कार की लॉन्चिंग में आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल जाएगा। और मारुति सुजुकी ने यह ऑफिशियली अनाउंस भी किया है कि वो 2025 के बाद इलेक्ट्रिक कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, क्योंकि मारुति सुजुकी के पास फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक कारों के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 2025 तक मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक कारों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेगी, उसके बाद अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। तो ये जो ईवीएक्स इलेक्ट्रिक कार है, जिसको आज ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया है, इस कार को 2025 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, यानी आज से 2 साल बाद ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। लेकिन इस कार के डायमेंशंस को रिवील किया गया है। यहाँ पर इस कार की लेंथ 4300 mm रखी गई है, और इस कार की लेंथ और क्रेटा की लेंथ आपको लगभग सेम देखने को मिल जाएगी। लगभग 1800 mm की विड्थ आपको देखने को मिल जाएगी मारुति सुजुकी की इस एसयूवी कार के अंदर। इसके अलावा 1600 mm की आपको हाइट देखने को मिल जाएगी। तो डेफिनेटली ये कार मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर आने वाले कुछ सालों में आग ही लगा देगी, और उस सेगमेंट के अंदर और भी इलेक्ट्रिक कार इंडिया में लॉन्च हो सकती है, जैसे कि क्रेटा का ईवी मॉडल इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा सेल्टोस, टाइगन कुशक, एस्टर का भी इलेक्ट्रिक मॉडल आने वाले कुछ सालों में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है, या फिर इस ऑटो एक्सपो में भी इन कारों का कॉन्सेप्ट मॉडल शोकेस किया जा सकता है, जिस तरह से आज मारुति सुजुकी ने ईवीएक्स इस एसयूवी कार को रिवील किया है। सिमिलरली इस सेगमेंट की बाकी कारों को भी इस ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा सकता है। खैर, इनके डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।